फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज में। 71वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का हुआ आगाज। जयपुर के नाहरगढ़ अभयारण्य में हुआ आयोजन। सीएम गहलोत सीएमआर से पीपल के पेड़ का उनकी तरफ से किया गया पौधारोपण। प्रदेश की सियासी नब्ज टटोलने में जुटे अजय माकन। पीसीसी में जयपुर संभाग के नेताओं से फीडबैक कार्यक्रम। मतभेद और मनभेद मिटाने की कवायद। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर में चल रहे 1,000 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मौके पर निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद यूआईटी अधिकारियों से प्रोजेक्ट के संबंध में चर्चा की और विकास कार्यों की गति बढ़ाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एमडीएम यूनिवर्सिटी कुलपति घुसकांड में एसीबी की टीम वापस यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची और वहां स्थित एसबीआई बैंक में कुलपति आरपी सिंह के खाते को सीज किया। इस मामले में अभी तक की पड़ताल में दलाल रणजीत के 3 बैंक खाते सामने आए हैं, जबकि कुलपति का एक ही खाता सामने आया। बैंक खातों के जरिए लेनदेन का हिसाब पता लगाया जाएगा। अजमेर के दरगाह इलाके के बड़बाव में लोगों ने 2 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिनकी पहले तो लोगों ने जमकर धुनाई की और बाद में दोनों को पुलिस को सौंप दिया। इसी के साथ चिराई का माल बेचने वाले कबाड़ी को भी इलाके के लोगों ने जमकर पीटा और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। झुंझुनू कोर्ट में एक मामले में बयान देने आई महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सिंघाना की एक युवती की शादी शीतल गांव में हुई थी। ये युवती बगड़ में किराए के मकान में रहती है, जिसने अपने ही पति पर दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई। इस मामले में वो कोर्ट में बयान देने आई थी, जहां उसकी ननद ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वकीलों ने बीच बचाव करके उसे बचाया। मामले में पीड़िता ने बताया कि उस पर उसकी ननद दबाव बना रही है कि उसके भाई पर दर्ज करवाया गया मामला वापस ले। इसके लिए लगातार उस पर हमले भी कराए जा रहे हैं। उदयपुर के गोगुंदा में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक की लड़की की मां ने सरेआम झाड़ू से धुनाई कर दी। ये वीडियो गोगुंदा के बस स्टैंड का बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। अजमेर शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जहां एक और चोर को सुने मकान को निशाना बनाना महंगा पड़ गया। वहीं वहां मौजूद लोगों की नजरें उस पर जब पड़ी तो लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। घटना 7 पिपली चौराहे की है, जहां सुबह एक युवक चोरी की नीयत से सूने मकान में घुसा, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये रही कि बाहर चौराहे पर खड़े लोगों की नजरें उस पर पड़ गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के एरोड्रम सर्किल पर एक ढाबे पर खाना खाने गए 2 पुलिसकर्मी ढाबा संचालक से भिड़ गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने ढाबा संचालक को धमकाया भी। ढाबे पर हुए इस घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस घटनाक्रम की शिकायत अब एसपी और डीआईजी को भी कर दी गई है। बीजेपी का प्रदेश व्यापी हल्ला बोल अभियान, सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल। जयपुर में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा को बीजेपी नेताओं ने सौंपा ज्ञापन। देहात अध्यक्ष रामलाल शर्मा और रामानंद गुर्जर के नेतृत्व में दिया ज्ञापन। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ बीकानेर में भी देहात और शहर भाजपा ने दलबल के साथ प्रदर्शन किया है। इस दौरान भाजपा देहात जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत, विधायक बिहारी विश्नोई, शहर जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह सहित स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जोधपुर भाजपा ने कलेक्टर कार्यालय के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और चुनाव से पूर्व किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक सूर्यकांता व्यास सहित भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में यूनिफॉर्म बदलने की कवायद के बीच पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और महज 3 साल में सरकारी विद्यालयों की यूनिफॉर्म बदलने को तुगलकी निर्णय बताया। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने अजमेर में कांग्रेस के संभाग स्तरीय संवाद के दौरान कांग्रेसियों द्वारा कोरोना गाइडलाइंस की खुलकर धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। जैसलमेर जिले में अब लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। इसको लेकर विधायक रूपाराम प्रशासन और पुलिस से लगातार संपर्क में रहकर कोरोना की चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसलमेर में ग्रामीण क्षेत्र में एक निजी बस पलटी। पारेवर फाटा के पास हुआ हादसा, बारिश के कारण सड़क पर बने गड्ढों से हुआ हादसा। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि, सभी लोग बताए जा रहे सुरक्षित। झालावाड़ जिले में इन दिनों छोटे बच्चे मौज मस्ती के लिए अपनी जान को खतरे में डालने से भी गुरेज नहीं कर रहे। बच्चे घर से निकलकर मौज मस्ती के लिए काली सिंध और
आहू नदी के किनारे आ जाते हैं। पानी के बावजूद ये पुलिया पार करते हैं। दौसा में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत। लालसोट रोड बाईपास आरओबी की घटना। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस पहुंची मौके पर। भरतपुर के कामा में एक निजी अस्पताल में मरीज की किडनी निकालने का आरोप। परिजनों ने लगाया इलाज के दौरान किडनी चोरी करने का आरोप। सूर्यनगरी जोधपुर के मंडोर की पहचान पर्यटन नगरी के रूप में भी है। सीएम गहलोत ने इसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो अपने बजट घोषणा में 13 करोड़ रुपए आवंटित किए थे उसी के तहत मंडोर गार्डन के विकास का काम चल रहा है। बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। नहीं थम रहा चोरियों का सिलसिला। नेहरू नगर में सुनार की दुकान में किया हाथ साफ। सीसीटीवी फुटेज में नजर आई चोरों की करतूत। दुकानदार को बातों में फंसाकर लाखों के जेवरात ले गए चोर। पीड़ित की रिपोर्ट के बाद पुलिस जुटी मामले की तफ्तीश में। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने कस्बे से 2 महीने पहले हुए किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही किशोरी को भी दस्तयाब किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। अलवर में अयोध्या मंदिर पर सेवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। एसपी तेजस्विनी गौतम ने किया खुलासा। एनईबी निवासी राजकुमार उर्फ राजू पंछी ने की थी हत्या। पहले इसी मंदिर में बाबा पुरुषोत्तम दास की करता था सेवा। चोरी के आरोप में मंदिर से निकाल दिया था आरोपी को। सेवक को ठिकाने लगाकर खुद रहना चाहता था मंदिर में। मिड डे मील योजना के तहत स्कूली बच्चों को जुलाई अगस्त में स्कूल बंद होने के बाद भी गेहूं और चावल का वितरण किया जाएगा। मिड डे मील आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं जिसमें सरकारी स्कूलों मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों पर कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को गेहूं और चावल वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की बीएससी कृषि अंतिम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2019-20 के विद्यार्थियों की स्पेशल बैकलॉग और डीयू की परीक्षा का आयोजन 14 से 30 सितंबर तक होगा। परीक्षा 2 पारियों में होंगी। विश्वविद्यालय कोरोना संक्रमण के मद्देनजर तमाम एहतियात बरत रहा है। नागौर के रियाबड़ी में उपखंड कार्यालय सभागार में एसडीएम सुरेश के एम ने चुनाव को लेकर स्थानीय अधिकारियों की बैठक ली और जिसमें चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पुलिस के आला अधिकारी तहसीलदार सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नागौर के लाडू में एसडीएम ने उपखंड कार्यालय में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम निम्बी जोधा के समीप स्थित टोल प्लाजा के इंचार्ज और अन्य कार्मिकों की बैठक ली जिसमें टोल बूथ पर उपलब्ध सुविधाओं को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। नागौर के लाडू में पूर्व भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश बागड़ा ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात की। इस दौरान लाडू तहसील के गांव लेडी में 8 सितंबर को हुए अपहरण के मामले पर विस्तृत चर्चा की गई। सांसद ने उच्च अधिकारियों से फोन पर बात कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए कहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम में नागौर जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। मेड़ता के पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, पूर्व विधायक मांगीलाल डागा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। डूंगरपुर में सीमलवाड़ा धम्बोला मुख्य मार्ग पर तालाब के पास एम्बुलेंस और मिनी ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि एम्बुलेंस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया जिसे सीमलवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया जहां से उसे रेफर कर दिया गया। प्रदेश भर के होम्योपैथिक चिकित्सकों ने उठाई आवाज। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 6,310 पदों पर मांगे गए आवेदनों में होम्योपैथिक को शामिल करने की मांग। सीएम गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को लिखा पत्र। श्रीगंगानगर में भी होम्योपैथिक चिकित्सकों ने उठाई आवाज। चूरू के सरदार शहर में भाजपा कार्यकर्ता मदन तंवर के साथ समुदाय विशेष के युवकों द्वारा मारपीट से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि पुलिस ने अपनी ओर से मामला दर्ज कर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये मारपीट की गई थी। बारा के छीपा बड़ौत की बिलेंडी ग्राम पंचायत के गांव विकास अधिकारी पर पंचायत के 2 युवकों ने हमला कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। आरोपी युवकों ने ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत में आने पर जान से मारने की धमकी भी दी जिस पर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने एतराज जाहिर करते हुए राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया। छीपा बड़ौत में पंचायत राज कार्मिकों ने राज्य सरकार द्वारा 1 दिन के वेतन कटौती के विरोध में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर एकजुट होकर आदेशों की प्रतियां जलाकर विरोध जाहिर किया। इस दौरान पंचायती राज से संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। कोरोना काल में वकीलों की आर्थिक रूप से मदद करने के अभिभाषक परिषद आगे आए हैं।
कोटा में अभिभाषक परिषद ने एक समिति का गठन कर जरूरतमंद वकीलों को आर्थिक सहायता देने का कार्य शुरू किया। इसी कड़ी में चार अभिभाषकों को 40,000 के चेक भी सौंपे गए। अलवर में खैरथल के ग्राम पंचायत पाटन मेवान में कोरोना का विशेष जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण को लेकर राजीव गांधी सेवा केंद्र में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में कोरोना संक्रमण से सतर्कता और बचाव के उपचार के लिए लोगों को जागरूक किया गया। जोधपुर के लोहावत में विधायक किसना राम विश्नोई ने नव स्वीकृत महाविद्यालय के अस्थायी भवन का अवलोकन किया और अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही कॉलेज परिसर में स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए सुविधाएं मुहैया करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम राजीव शर्मा, तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर में लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर के पट आमजन के लिए खुल गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। बाबा की समाधि के दर्शनों के लिए श्रद्धालु दूर दूर से रोणिचा धाम पहुंच रहे हैं। बाबा की समाधि के दर्शनों के बाद श्रद्धालु पोखरण पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्यटन स्थलों के बंद होने के चलते निराशा उन्हें हाथ लग रही है। अलवर के किशनगढ़वास के गांव नूरनगर में मुख्य रास्ते पर गंदा पानी भरने और सड़क टूटने से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने बताया कि इसे आवागमन में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरपंच से मिलकर गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिलोर गांव में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ है और स्थानीय प्रशासन ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा हटाया। तहसीलदार राकेश जैन, राजस्व विभाग की टीम और थानाधिकारी मीठाराम चौहान मय जाप्ते के जेसीबी से इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची और जब्त सूखी लकड़ियों को ग्राम पंचायत को सौंप दिया। झालावाड़ के पिड़ावा में पुलिस ने अवैध बजरी से भरी दो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और राहू नदी से बजरी लेकर कोटड़ी की तरफ आ रही दो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में संयुक्त राज्य कर्मचारी महासंघ उपशाखा और प्रधान अध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले शिक्षकों ने एसडीएम कार्यालय के सामने सरकार के आदेशों की होली जलाकर वेतन कटौती का विरोध जाहिर किया। झालावाड़ के सुनील कस्बे में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ उपशाखा के शिक्षकों ने तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार द्वारा कर्मचारियों के बिना सहमति के वेतन कटौती के विरोध में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। नागौर के कुचामन सिटी के साहित्यकार और शिक्षाविद डॉक्टर दिलीप कुमार की पुस्तक बीज हूं मैं का डीडवाना में विमोचन किया गया। विमोचन कार्यक्रम को लॉकडाउन की पालना करते हुए सादे समारोह के रूप में सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए किया गया। कार्यक्रम में साहित्यकारों ने पुस्तक को लेकर अपने अपने विचार रखे और काव्य पाठ भी किया गया। पाली के पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुमेरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान महावीर अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया और मरीजों को फल बांटे। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में पिछले कई दिनों से दूषित जलापूर्ति हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं। सुभाष चौक के निवासियों ने बताया कि नालों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। इस दूषित पेयजल से कई बीमारियां फैलने का खतरा है। वहीं लोगों को अन्य जल स्रोतों से पेयजल की आपूर्ति करनी पड़ रही है। अलवर के किशनगढ़वास में अपर जिला एवं सेशन कोर्ट संख्या 2 ने एक युवक की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास और 1,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। खुशखेड़ा थाना इलाके के बूढ़ीवाल गांव में 3 साल पहले जमीनी विवाद में हुई युवक की हत्या के इस मामले में मृतक के पिता और भाई को यह सजा सुनाई गई। नागौर के खीवसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत काटिया में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई शिविर हुआ, जिसमें एसडीएम राजकेश मीणा ने जनसुनवाई की। वहीं सरपंच रामी देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम को गांव की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। किसानों ने भी कई अपनी अपनी समस्याएं रखी। अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे द्वंद्व पर विप्र सेना कंगना के समर्थन में उतर आई है। विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी ने संजय राउत के मुंह पर कालिख पोतने की चेतावनी दी। नागौर के डीडवाना में रामदास अठावले फाउंडेशन भी कंगना रनौत के समर्थन में आगे आया है और फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुंबई में बीएमसी द्वारा कंगना के कार्यालय में की गई कार्रवाई का विरोध जाहिर किया गया। जयपुर के चाकसू थाना इलाके के बागपुरा गांव में फागी रोड पर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने दो बालिकाओं को टक्कर मार दी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बजरी माफियाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भी ग्रामीणों ने आक्रोश जाहिर किया और पुलिस वाहन के आगे टायर लगाकर घेराव किया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के
उदयपुरा गांव में बरसाती पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नाली निर्माण से स्थानीय लोगों सहित राहगीर और वाहन चालकों को गंदे कीचड़ युक्त फिसलन के बरसाती पानी से निजात मिलेगी। ये नाली निर्माण कार्य ग्राम पंचायत उदयपुरा की ओर से किया जा रहा है। उदयपुर के झाडौल में कोरोना के प्रभाव को देखते हुए बस स्टैंड से सभी वाहनों को हटा दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कस्बे से 1 किलोमीटर दूर वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। इसके विरोध में व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और बताया कि इस नई व्यवस्था से व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दौसा कलेक्ट्रेट में लालसोट पंचायत समिति की हुई लॉटरी प्रक्रिया, जिला कलेक्टर पीयूष समरिया और एडीएम लोकेश मीना की देखरेख में हुई लॉटरी। नागौर के लाडनू में समाजसेवी नौशाद अली सिसोदिया ने अपने जन्मदिन को यादगार बनाते हुए पूरा दिन मूक पशुओं और जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगाया। उन्होंने गौशाला में गायों के लिए चारे की व्यवस्था की। कच्ची बस्तियों में बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री के किट उपलब्ध करवाए गए। नागौर के लाडनू में एसडीएम राम अवतार कुमावत ने उपखंड कार्यालय में वकीलों और पत्रकारों से चर्चा की और कस्बे में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए चर्चा की। साथ ही एसडीएम ने आमजन से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। पाली के बाली उपखंड के सेसली गांव के माताजी प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इस दौरान विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और एसडीएम श्रीनिधि बीटी की मौजूदगी में करीब 300 पौधे लगाकर हरित क्रांति का संदेश दिया गया। बाड़मेर के बालोतरा के एक बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी के यहाँ जीएसटी की एंटी विजन टीम ने छापा मारा, जिसमें लाखों की टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना जाहिर की जा रही है। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की खुफिया जानकारी मिलने पर जोधपुर और जयपुर की संयुक्त टीम ने खेड़ रोड पर स्थित गोदाम में छापा मारा और दस्तावेज खंगाले हैं। जालौर के भीनमाल में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सोमत मल बोहरा की पुण्यतिथि पर इंदिरा रसोई में एक समय के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था बोरा परिवार ने की है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष विमला सुरेश बोरा ने इंदिरा रसोई का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता की जांच की। सवाई माधोपुर जिले में भी बीजेपी का हल्ला बोल अभियान, बिजली बिलों की माफी, बेरोजगारी भत्ता, किसानों का कर्ज माफ सहित कई मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में भी भाजपा ने किया जोरदार प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। भरतपुर में भी भाजपाइयों ने जमकर हल्ला बोला और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह और सांसद रंजीता कोहली की अगुवाई में यह विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। झालावाड़ के अकलेरा इलाके के बड़ोदिया गांव में उजाड़ नदी में नहाते वक्त डूबी दो बालिकाएं, हादसे में दोनों बालिकाओं की हुई मौत, ग्रामीणों ने दोनों शवों को निकाला बाहर, असनावर थाना क्षेत्र की घटना। हनुमानगढ़ जिले में करीब 10 लाख रुपए कीमत की 5 किलोग्राम अफीम की सप्लाई देने आए जोधपुर के बाप क्षेत्र के 8 तस्कर पीलीबंगा क्षेत्र में पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इन्हें जिला स्पेशल टीम के सहयोग से पीलीबंगा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान दबोचने में सफलता हासिल की। 8 तस्कर 2 वाहनों में सवार थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 किलोग्राम अफीम के अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक कैंपर जब्त किया है। इस संबंध में 8 जनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। नागौर जिले के जसवंत नगर थाना इलाके में जमीन विवाद में हुई मारपीट में घायल शख्स ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। लोगों का आरोप है कि पूरे मामले में नगर पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी तक नहीं की है, ना कोई कार्रवाई की गई। ऐसे में जब तक हत्या के आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, वो शव नहीं लेंगे। इस दौरान बीकानेर पुलिस समझाइश के लिए भी पहुंची, लेकिन परिजन और समर्थक अपनी मांगों पर अड़े रहे। अलवर में जयपुर रोड पर अयोध्या मंदिर में सेवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी राजकुमार उर्फ राजू पंछी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने हथौड़े से सेवक आशीष शुक्ला की हत्या की थी और बाद में एक बाल्टी में मिर्ची घोलकर बाबा पुरुषोत्तम दास पर फेंक दी। बिहार के अररिया में राजद कार्यकर्ताओं ने लालटेन और मोमबत्ती जलाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया है। बिहार के मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर जिले के सभी थानों में गुंडा परेड का आयोजन किया गया। आगामी त्योहारों और विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह आयोजन हुआ, जिसमें लोगों को क्षेत्र में विधि व्यवस्था बरकरार रखने, हुड़दंग से दूर रहने की चेतावनी दी गई।
पूर्णिया में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। सदर विधायक विजय खेमका ने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुटने के निर्देश दिए और कहा कि पीएम मोदी और बिहार की एनडीए सरकार ने प्रदेश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। उत्तराखंड के रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के गांव में पिछले 2 महीने से गुलदार के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गी सईदपुर गांव में गुलदार और उसके 2 शावक देखे जाने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की थी, लेकिन वन विभाग अभी तक गुलदार को नहीं पकड़ पाया है, जबकि गुलदार कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि टीम गांव में डेरा डाले हुए है। गुलदार को पकड़ने के लिए गांव के जंगलों में गुलदार के पंजों की निशानदेही पर पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। ऋषिकेश में मिशन मोदी अगेन पीएम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। ऋषिकेश के रायवाला स्थित एक होटल में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड में रोडवेज मुख्यालय अनुबंधन नवीनीकरण नहीं कराने वाले करीब 350 संविदा कार्मिकों को अंतिम मौका देते हुए 25 सितंबर की तिथि तय की गई है। उत्तराखंड में जनरल ओबीसी कार्मिक आज और कल भी धरना देंगे। कर्मचारी नेता दीपक जोशी के खिलाफ बैठाई गई जांच का विरोध कर रहे कार्मिकों ने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ दुश्मनों का काल राफेल, वायुसेना में की ताकत में हुआ कई गुना इजाफा। अंबाला एयरबेस पर हुई राफेल की इंडक्शन सेरेमनी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले देश की संप्रभुता से नहीं होगा कोई समझौता। भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना राफेल विमान, इस अहम मौके का गवाह बनने के लिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर कई हस्तियां पहुंची। रक्षा निर्यात पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए सीडीएस बिपिन रावत ने भारत के रक्षा व्यय के वितरण पर कठोर नजर रखने की बात कही है। लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच आज पहली बार भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। मॉस्को में एससीओ समिट से इतर, भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे मिलेंगे दोनों विदेश मंत्री। कंगना पर एक्शन से गवर्नर कोश्यारी नाराज, केंद्र सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट। वहीं मामले में बॉलीवुड में भी धोखे में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को 2 दिन के दौरे पर बिहार जाएंगे। पटना पहुंचने के बाद शाम 6 बजे बीजेपी कार्यालय में चुनाव संचालन समिति के लेंगे बैठक। कोरोना महामारी के बीच WHO की चेतावनी। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण आखिरी महामारी नहीं, कोरोना के बाद एक और महामारी के लिए तैयार रहे दुनिया। दुनिया भर में अब तक 2,78,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, इसमें से 9,00,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 44,65,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। प्रदेश में जारी है कोरोना की रफ्तार। पिछले 12 घंटे में 7 मरीजों की हुई मौत। कोरोना पॉजिटिव बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी को तबियत बिगड़ने पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाहाबाद से सांसद रीता बहुगुणा लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती थी। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप, 14 सितंबर को सदन में रहे मौजूद। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खाते से 6 लाख रुपए निकालने का मामला आया सामने, क्लोन चेक से फर्जीवाड़ा। लंबे वक्त के बाद फिर से 21 सितंबर से खुल रहे स्कूल कॉलेज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों को फिर से खुलने की अनुमति दे दी है। 14 सितंबर को दिल्ली विधानसभा सत्र, विधायकों को कोरोना का कराना होगा टेस्ट, सत्र से 48 घंटे पहले कराना होगा टेस्ट। इंडियन रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली 80 नई पैसेंजर ट्रेनों के लिए यात्री आज से बुकिंग करा सकेंगे टिकट। फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे रिया शोबेक, बेल पर कल सुनाया जाएगा फैसला। प्रदेश के PTET परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा तिथि की घोषित, 16 सितंबर को होगी परीक्षा। कोरोना के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए सीएम 15 सितंबर को VC के जरिए जनता से होंगे रूबरू। 2 अक्टूबर को सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखेगी पार्टी। अजमेर संभाग का फीडबैक लेने के बाद बोले प्रदेश प्रभारी अजय माकन। राजीव जैन बने राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति, संभाला कार्यभार। परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी, 18 सितंबर से 15 अक्टूबर तक होंगे एग्जाम, हर दिन 3 पारियों में होगी परीक्षा। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।